मिलो भैया एक सेकंड आया आता ज़र्रा वांग ले लेंगे नमाज छुट गई ज़र्रा मामा ज़र्रा साइडन बाबू कुछ साइडन मामा थोड़ा बैठ संदीप पीछे मत इस पार्ट ऑफ द कोटे कोटे में सेक्शन तो कॉलम हां इस बीच कोटे में सेंटर मेरा फोकस चेंज होना है मक्का मस्जिद पे फोकस चेंज मक्का में सबसे पहले आने वाले रमजान के पाक महीने के लिए थोड़ा लोगों नीचे करिए आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं रमज़ान के महीने में जो खुशियों का इंतज़ार सभी को है हमारे मुस्लिम भाइयों को हिंदू भाइयों को और सभी को पूरे 11 महीने इंतज़ार के बाद रमज़ान का महीना आता है और ऐसे महीने में खास करके उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस यही एक महीने पर निर्भर करती है हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं जो हमारे ठेले वाले हैं बंडी वाले हैं उन लोगों के लिए ये एक ऐसा महीना है जिनसे उनकी बिजनेस रोजी रोटी में इजाफा होता है तो आज उसी मौके पे आज सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी सीनियर ऑफिसर हमारे साथ डीसीपी साउथ जोन एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जॉइंट सीपी स्पेशल ब्रांच सभी एसएचओ एसीपी सिटी सिक्योरिटी विंग के सभी लोग हम लोग मुआयना करने के बाद जो सिक्योरिटी सेटअप है सेफ्टी और सिक्योरिटी के तो के जो इंतज़ाम हैं सीसीटीवी कैमरा है सबका जायज़ा लेने आए हैं और ऐसे मौके में यहाँ जो आज जुम्मे के नमाज के बाद जो हमारे भाई लोग बाहर निकले उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई हमेशा की तरह हर साल की तरह रमज़ान के महीने में जो पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से एडिशनल वर्क एडिशनल इंतज़ाम किए जाते हैं जैसे ट्रैफिक अरेंजमेंट रात के वक्त पेट्रोलिंग और जीएचएमसी के साथ मिलकर जहां लाइट की व्यवस्था करनी है वो सब चीज़ रोड की सफाई ये सब हम लोग करेंगे और आने वाले समय में आप लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी के साथ हम लोग
ये रमज़ान के महीने में अपनी ड्यूटी करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए ये एक बहुत अहम मौका है कि आपके सर्विस में आपको खुश देखने के लिए, आपके चेहरे के पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम लोगों को ये मौका मिला है और हम लोग उसको बाखूबी निभाएंगे। सर, रमज़ान का नाइट बाजार कब तक रहेगा? बताएं जो हर साल की